नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गल्होत्रा, आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग लेबनीज थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है लेबनीज थ्योरम कि लेट वाई इक्वल्स टू यू इन टू वी, मतलब कि अब से जो फंक्शन आपको आएगा उसको आपको लेबनीज थ्योरम से बनाना है। तो अब से अब जिसका भी आपको nth ऑर्डर निकालना है वो यू इन टू वी के फॉर्म में रहेगा। इसलिए इसको प्रूव करेंगे, जब इसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे ताकि इसके आने वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखे हैं मैंने, लेट वाई इक्वल्स टू यू इन टू वी, तो यू इन टू वी के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन, मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे ऑफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, विच पोजेस ड्राइव्स ऑफ nth ऑर्डर देन। तो जब nth ऑर्डर उसका निकालेगा तो आप कैसे निकालेगा, तो वाई एन इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन इंटू यू एन माइनस वन इंटू वी वन। यहाँ पर एन सी जीरो भी हो सकता है लेकिन उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू वन ही होता है, इसलिए डायरेक्टली इसको लिखा मैंने। प्लस उसी तरह एन सी टू यू एन माइनस टू इंटू वी टू, प्लस उसी तरह एन सी थ्री एन सी फोर, ये बढ़ते रहेगा दोस्तों। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉट 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 दे करके प्लस कर दिया। उसके बाद फिर एन एथ ऑर्डर तक लेके गए तो ये क्या बन गया हमारा, एन सी आर यू एन माइनस आर इंटू वी आर, बीच में प्लस का साइन, उसी डॉट डॉट डॉट, फिर एन सी एन यू इंटू वी एन। उसके बाद फिर ये क्या बोलता है दोस्तों, फ्रॉम दिस थ्योरम वी नो दैट हाउ टू डिटरमाइन द nth डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये पहचानते हैं कि कोई भी दो प्रोडक्ट जब यू इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशियंट, मतलब कि कैसे हम लोग कोफिशियंट लेकर के उसको nth ऑर्डर उसका कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए कैसे लिखा है कि आखिर ये जो फॉर्मूला दिया हुआ ये फॉर्मूला आया कैसे। तो देखिए वाई वन, मतलब जो हमारा ये हमारा वाई था, अब इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई वन लिखेंगे। तो वाई वन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यू इंटू वी को ब्रेक करेंगे, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला में तो जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला में जब ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यू को रखते हैं पहले वी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ वी वन होगा, बीच में प्लस का साइन, फिर वी को रखेंगे यू को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यहाँ यू वन होगा, ये हो गया। उसी तरह सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो अब ये वाला जो फॉर्म देख रहे हैं ये यू इंटू वी के रूप में ब्रेक होगा तो ये आएगा यहाँ तक, फिर ये वाला प्लस का साइन, फिर ये वाला यू इंटू वी के फॉर्म में इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आएगा। क्या करेंगे दोस्तों, वी को रखेंगे फिर यू वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ यू टू हो जाएगा, फिर यू वन को रखेंगे फिर वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ वी वन हो जाएगा। उस तरह जब उसी को इसको क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लेंगे बेहतर ढंग से। तो यहाँ पर देखिए अरेंज कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम फंक्शन आ गया, यहाँ यू वन वी वन, वी वन यू वन, और यहाँ पर यू वन वी वन दोनों सेम है। तो अरे मतलब इंटरचेंज करके आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, दोनों ऐड होगा तो टू वी वन यू वन हो जाएगा प्लस वी यू टू, और इसके पहले यू वी टू, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, वाई टू इक्वल टू फाइनली हमारा ये आ चुका है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये वी यू टू को उसको पहले लिखेंगे, यू यू टू को यू वी टू को बाद में लिखेंगे, ये वैसे का वैसे है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि एन सी जीरो इसको लिख सकते, इसके आगे कुछ नहीं तो देखिए वहां पर वन है, यहाँ पे वन है, तो इस वन को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं टू सी जीरो वी इंटू यू टू, इसको जब एक्सपैंड कीजिएगा तो यही फॉर्म आएगा, ये वैसे का वैसे रहेगा, इसका वैल्यू वन होगा। उसके बाद फिर इसी तरह यहाँ पर टू डिवाइडेड बाय, मतलब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो टू इंटू टू डिवाइडेड बाय वन आएगा, तो मतलब टू को वन से डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ टू बचेगा, ये इसी तरह। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये इंक्रीज करते जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसको एन एथ टर्म तक लेके जाइएगा तो क्या बनेगा, वाई एन इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला आपको दिखा रहा था मैं, एन सी जीरो यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन इंटू वी यू एन माइनस वन इंटू वी, मतलब एक एक हर क्या होगा दोस्तों, यू में हर बार एक एक माइनस होते जाएगा, सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एन एथ टर्म तक जाएगा, तो एन सी एन यू एन माइनस एन वी एन। तो ये हो गया हमारा प्रूफ दोस्तों। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना रहा तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो आपका जिस नंबर का मार्क्स होगा, जितने मार्क्स का होगा लेबनीज थ्योरम का प्रूफ, उतना आपको मिल सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मैथ्स का सोल्यूशन वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।